अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी असिस्टेंट मेन्यू आप के स्क्रीन पे आप ला सकते हैं कि कोई भी अगर आप मेन्यू में जाना चाहते हैं, बेक करना चाहते हैं कि आप कोई भी मतलब कि आपको जो ऐसा फंक्शन हो जो आपको असिस्ट करे वो आप कैसे स्क्रीन पे ला सकते हैं। मैं आपको अभी आप दिखाता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, अब आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन में जाकर ये सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग में जाकर एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे ये पास ये डेक्सटरिटी एंड इंटरेक्शन कंट्रोल ये जो सेटिंग है इसको हम क्लिक करेंगे। इसको करने के बाद ये जो असिस्टेंट मेन्यू का ये ऊपर पर है इसको हम क्लिक करके और ये इनेबल करेंगे। ये इनेबल होने के बाद ये एक असिस्टेंट मेन्यू आ गया है। मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं बैक करना चाहता हूँ तो ये बैक का ऑप्शन है, ये लेफ़्ट के नीचे वाले कोने में, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद बैक होता जाएगा। अगर ये देखें हम, ये मेन्यू है, ये हम ये लिखा हुआ है ऊपर स्क्रीनशॉट। अगर ये स्क्रीनशॉट करना निकालना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। ये मतलब कि आपको कहीं भी किसी भी जगह पर मतलब कि असेस करता है। ये देखें कि आपको बटन दबाना पड़ता है या क्या, तो ये आपको असिस्ट कर सकता है कि कहीं भी मतलब कि बटन दबाने की या कोई मतलब तकलीफ़ ना हो, इसी वजह से इनको उन्होंने असिस्टेंट मेन्यू दिया हुआ है। और अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि जैसे कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देख सकें। थैंक यू।